तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चली गई, कोई लौट नहीं है। चली नहीं गई है, शायद किसी ने बंद की है। किसी ने नहीं, ये लाइट भूत ने ही बंद की है। आओ, नक्की नक्की आप मुझे भूत भूत कुछ नहीं होता है। अरे क्या कुछ नहीं होता है, अभी मेरे सामने से गुजरा वो। चाचा जी मैं हूँ अय्यर, अभी आपके सामने से मैं पास हुआ था। हाँ देखा, वो भूत नहीं अय्यर भाई थे। अरे तो ये अय्यर ही एक जगह पे खड़ा है ना, अंधेरे में यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहा है। वो चाचा जी लाइट कैसे ऑफ हो गया ये चेक करने के लिए मैं जा रहा था। अय्यर भाई एक मिनट जरा आपका मोबाइल देना। इस वक्त तुझे किसे फोन करना है भाई? जेठा भाई आपको एग्जिट पापा को फोन करना है, मैं नंबर देती हूँ आपको। बाबा क्या इलेक्ट्रिशियन है? नहीं नहीं ये बाबा भूत भगाते। हाँ बरोबर, जेठा भाई बुलाइए एग्जिट पापा को। अंजलि भाभी नंबर दीजिए उनको। अंजलि जेठालाल ये गलत है, तुम्हें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक 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 मिनट एक मैं सेक्रेटरी, किसी भी एग्जिट बाबा को सोसाइटी में एंट्री नहीं दूंगा। अरे भाई मैं कोई बाबा बाबा को फोन नहीं कर रहा हूँ भाई। तो फिर मोबाइल क्यों चाहिए? एक मिनट दीजिए बताता हूँ। यार जयडलन क्या करता है, मेरा मोबाइल गिराकर तोड़ने के लिए मांगा था तुमने? अरे नहीं भाई, मैं तो वो मोबाइल में टॉर्च होती है ना वो चालू करने के लिए आपका मोबाइल मांग रहा था। देखा, भूत मोबाइल का टॉर्च भी ऑन नहीं करने दे रहा है। चलो चलो हम सब बाहर चलते हैं। मोबाइल ऐसे अंधेरे में बाहर कैसे जाएंगे? अरे कैसे क्या डॉक्टर आदि, देखो ऐसे मैं चलता हूँ। देखो मैं गिर गया। गिर गए यार भाई, गिर गए। अरे इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ भाई, एक जगह पे खड़ा रहना, अंधेरे में यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? देखा, भूत ने अय्यर भाई को भी गिरा दिया। अंजलि भाभी मेरा को भूत ने नहीं गिराया, मैं खुद टकरा कर गिर गया। और जाओ, मैं जब कह रहा था कि अंधेरे में नहीं दिखेगा फिर भी गए, गिर गए ना। हंस चोट तो नहीं लगी ना? नहीं ले, ले, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कोई डरेगा नहीं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और बिना डरे खड़े रहो। मैं पायर पटवा दूंगा। एक जगह पे आज एक पाव पे खड़ा रहना पड़ेगा। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है। नहीं रोशन ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है। सोडी भाई कहाँ है? पापा सोडी सोडी भाई सोडी भाई भाई क्योंकि मेरे हाथों ने इस बदमाश को पकड़ा है। देखा बाबूजी कोई भूत भूत नहीं है, कोई बदमाश है, उसे सोनी ने पकड़ लिया है। उसे चल बाहर निकल, बाहर निकल निकल शरारती बदमाश, मैं तेरू छाना नहीं। देखो मैंने इसे पकड़ लिया। तू पट भैया भाई मैं हूँ, मैं तू 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 बदमाश है पप्पू तू? हाँ मैं। अरे क्या कर रहा है सोडी, तुझे क्यों पकड़ा था यार? अंधेरा था पर तू भी तो बोल सकता था ना कि मैं पप्पू हूँ। तो कैसे बोलता, तूने मेरा मुंह पकड़ के रखा था। सॉरी सॉरी एक गल दस,
तू पर्दे के पीछे क्या कर रहा था? मुझे लगा कि वहाँ पर कोई है तो मैं देखने गया था। तो मुझे भी लगा कि वहाँ कोई है और वहाँ तू था। तो अभी वहाँ सच में कोई है कि नहीं है? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। देखा 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 वहाँ कोई नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, मतलब वहाँ भूत था। काई चल ले करे, कौन है जो बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रहा है? अरे फ्यूज उड़ जाएगा, खर्चा हो जाएगा सोसाइटी को। ओए, ये रोशन सिंह सोटी की लास्ट वार्निंग है, वो मेरे तीन गिनने तक बाहर आ जाए वरना। अरे नहीं भाई नहीं, सोनी तू तीन मिनट कुछ मत कीज, वो भूत पे कोई असर होता नहीं है, वो फिर से लाइट बंद कर देगा। ठीक है चाचा जी, यारो कोई काम करते हैं, वो सब मिलके ना क्लब हाउस का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, यहीं कहीं छुपा बैठा होगा, जरूर मिल जाएगा। चलो ठीक है, इस तरह देखिए, इस तरह। मैं यहां हूं। अरे यहाँ, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ? यहाँ से आवाज आ रही है। ये इस तरफ से आवाज आ रही है कहीं से। किसकी आवाज है? बोले? बोले? कौन है? बोले? और हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? मैं तूफान। ओए तूफान के पुत्र, अभी उड़ाता हूँ तेरे कबूतर। और तू ठंड में क्या दिख गया? स्पीकर? 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 अरे फिर स्पीकर? इस बार छोटा वाला है बापूजी। हाँ वो दिख रहा है। ओए तू कितने भी छुप ले, ओ मैं तेनू ढूंढ निकालूंगा। मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा। अरे लेकिन तुम जो भी हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अरे हमें परेशान क्यों कर रहे हो भाई? तुम जो भी हो सामने आ जाओ। आ जाऊंगा, मैं खुद ही आपके सामने आ जाऊंगा, पर उसके लिए आप सबको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? ओए तू है कौन जो हमारे सामने शर्त रख रहा है? ओए हम तेरी कोई शर्त वर्त नहीं मानेंगे। पहले तुम सामने आओ फिर बात करते हैं। तो मैं सामने तभी आऊंगा जब आप लोग मेरी शर्त मानोगे, वरना। मैंने नहीं, वो स्पीकर में बोल रहे हो बापूजी। क्या चलेगा? वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। सुनो तुम जो भी हो क्यों परेशान कर रहे हो हमें? आप मेरी शर्त मान लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, मान लेते इसकी शर्त। हाँ ठीक है भाई, बोलो क्या है तुम्हारी शर्त? अगर मुझसे मिलना है तो आप सबको डांस करना पड़ेगा। डांस? नहीं बिल्कुल नहीं, ये शर्त हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर आप डांस नहीं करोगे तो मुझे ढूंढते ही रह जाओगे, पर मैं
मिलूंगा ही नहीं। ओए अब तू हमें ना चाहेगा? ओए ओए तेरी, ओए हम कोई डांस वांस करने वाले नहीं है। ओए हम तेरे इशारों पे नाचने वालों में से नहीं है। अरे सोड़ी भाई शांत हो जा। ओए क्यों शांत हो जाऊं? ओ क्यों हम इसका कहना माने? सही बात है, हम इस स्पीकर वाले को तो जानते भी नहीं है। हाँ लेकिन उसे जानने के लिए हमें उसकी शर्त माननी पड़ेगी ना। पर वैसे भी डांस करने में हर्ज क्या है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। पर हमने अब तक सारे प्रयास कर लिए, वो मिल ही नहीं रहा है। पंचे तो फिर हम उसकी शर्त मान लेंगे। हाँ जी। नहीं, कोई नहीं करेगा डांस, बराबर, क्या नहीं। डांस करेंगे तो ही पता चलेगा ना कि ये कौन है। साची बच्चे कर लेते डांस। ठीक है सुनिए, तू कहती है तो ये भी कर लेते हैं। एक बार तू मेरे हाथ लग जा, फिर मैं तुझे ऐसा नचाऊंगा, ऐसा न चाहूंगा कि तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगा। रोशन जरा ठंड रख। कर लेते बाबा डांस। हेलो, तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? मतलब आप लोग फिर शर्त मानकर डांस कर रहे हो ना? हाँ हाँ। ले भाई, कर ले डांस। बाबूजी एक मिनट, अभी नहीं। अरे हेलो हेलो, ओ जेठालाल फोन पे थोड़ी है, वो सुन रहा है, बोलो। हेलो, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने डांस किया फिर भी तुम हमारे सामने नहीं आए तो हाँ बराबर। भरोसा रखिए, मैं पक्का आऊंगा। आएगा भाई, बोल रहा है आएगा। ठीक है तो नाचो चलो। नहीं, ऐसे नहीं जेठालाल। अच्छा ओके, पहले नमस्कार, बराबर। हाँ अरे वो नहीं जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी ये घोषित करता हूँ कि हम सब तुम्हारे कहने पे डांस करेंगे। ओ यारो, ओ इसके कहने पे डांस भी कर लिया, और ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे ऐसा तो नहीं है कि तुमने मुझे हमें उल्लू बनाया? और क्या, अरे डांस भी करवा लिया लेकिन ये सामने तो आया ही नहीं। हाँ ये तो गलत बात है, धोखा दिया इसने, बहुत गलत। अब क्या करेंगे? अभी क्या, अभी सामने आ भाई, वरना मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। कैसे पता चलेगा कि ये सब कौन कर रहा है? ओए ओ कौन है तू, ओ कहाँ है तू? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? ओ दादा। हाँ कौन सी बोलता है? वो जो सुन रहा है, पहले तू ही बोला ना जब मैं हलो हलो कर रहा था कि बोलो भाई, वो सुन रहा है, वो जो सुन रहा है उसी को मैं बोल रहा हूँ। सुन रहा है ना तू? कर रहा हूँ मैं। देखो ऊपर से धुआरा निकल रहा है, कहीं कुछ जल तो नहीं रहा है ना? हाँ मम्मी, ये तो फॉग है जो हम लोग फंक्शन में यूज करते हैं। हाँ पर ये पुत्र, आज तो कोई फंक्शन नहीं है तो फिर फॉग क्यों? पुत्र इसके तो रंग भी बदल रहे हैं। हाँ ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फॉग नहीं है, कोई वहां पर है। भूते देख 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 देख
ऊपर से कोई आ रहा है। ओ तेरी, आ जा उतर। जलिया ऊपर से कोई आ रहा है। पानी की। ये तो कोई एनियल लग रहा है बापूजी। और ग्रह निवासी जूते में लाइट वाइट, मुंह भी लाल लाल है। दोस्तों कौन है ये मास्क में जो रात के अंधेरे को चीरते हुए सामने आया? क्या इसी की वजह से गोकुलधाम वासियों की नींद उड़ी है? गोकुलधाम में जितनी भी हरकतें हुई हैं, क्या इस इंसान की वजह से हुई है? अगर ऐसा है तो गोकुलधाम वासी इस इंसान का हाल बेहाल कर देंगे। भाई आफत बन के आए इस इंसान के लिए गोकुलधाम वासी खुद बहुत बड़ी आफत बन जाएंगे। पर यह है कौन और ऐसा क्यों कर रहा है? इसने मास्क क्यों पहना है? क्या ये और हंगामे करेगा या फिर हम उसे पकड़ लें? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसी के समंदर में गोते लगाते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।